guys, welcome back to my channel. How are you all? I hope you all are fine. Today's video is going to be very important for those people जिनके under eye area में dark circles हो जाते हैं. अब देखिए होता क्या है, mid 20s तक आते आते हम सबकी lifestyle बहुत ज्यादा busy हो जाती है. किसी की job लग जाती है, शादी हो जाती है, तो हमारा जो lifestyle हो जाता है बहुत busy हो जाता है, जिसकी वजह से ना तो हम अपनी health पे ध्यान रख पाते हैं और ना ही हम अपने sleep cycle को ठीक से कर पाते हैं. हमारा sleep cycle भी बहुत ज्यादा खराब हो जाता है, जिसकी वजह से हमें डार्क सर्कल्स होते हैं. अब देखिए, आपको बहुत सारी रेमेडीज मिल जाएंगी इंटरनेट पे, जिसमें से कुछ है, आप विटामिन ई का कैप्सूल अप्लाई कर लीजिए, आप रोज वाटर लगा लीजिए, आप एलोवेरा जेल लगा लीजिए, लेकिन इतना जल्दी आपको रिजल्ट नहीं मिलेगा इन रेमेडीज का. दो रेमेडीज मुझे बहुत ज्यादा इफेक्टिव लगी थी. दैट इज फर्स्ट जो रेमेडी मुझे इफेक्टिव लगी थी वो थी, आप टोमेटो जूस लीजिए, आप लेमन जूस लीजिए, दोनों को मिक्स कीजिए, अपने अंडर आई एरिया में लगाइए. बट लेमन हर किसी को सूट नहीं करता, वो किसी किसी की स्किन को इरिटेट भी करता है, जिसकी बहुत ज्यादा सेंसिटिव स्किन होती है उसको इरिटेट कर सकता है, इसलिए मैंने ये वाला मेथड नहीं बताया है. सेकंड डीआईवाई में मैंने यूज किया है, जो मैंने अपनी वीडियो में बताया, दैट इज पोटैटो जी, आलू का यूज करके मैंने आपको एक डीआईवाई बताया है कि कैसे आप अपने डार्क सर्कल्स को ठीक कर सकते हैं. लेकिन देखिए, सिर्फ अगर आप सिर्फ और सिर्फ ये डीआईवाई ही अप्लाई करेंगे तो डार्क सर्कल्स को जाने में टाइम लग सकता है. आपको दो चीजें और करनी पड़ेंगी, जिसमें से पहला है, यू हैव टू ड्रिंक प्लेंटी ऑफ वॉटर. आपको एक दिन में 3 to 4 liters पानी पीना ही पीना है. एंड सेकेंड रेमेडी इज टू मसाज योर अंडर आई एरिया. आपको बहुत अच्छे से अपने आई के आसपास के एरिया को बहुत अच्छे से मसाज करना है. इससे क्या होगा, देखिए, इससे हमारा जो ब्लड सर्कुलेशन है वो अच्छा होगा, जिसकी वजह से आपकी स्किन और ज्यादा अच्छी होती है. इसीलिए आपको ये दो चीजें करनी है. पहला इज टू ड्रिंक लॉट ऑफ वाटर, सेकंड इज टू मसाज योर अंडर आई एरिया. उसके साथ ही साथ जो मैंने आपको डीआईवाई बताया है आप वो कीजिए, आपको विद इन 15 to 20 days रिजल्ट मिल जाएंगे. ओके, सो विदाउट एनी फर्दर डू लेट्स स्टार्ट द वीडियो. सो गाइस, मैंने हाफ पोटैटो को पील करके इसको अच्छे से ग्रेट कर लिया है. ग्रेट करने के बाद ये कुछ ऐसा दिखाई देगा. आपको इसको अच्छे से स्क्वीज करना है और उसके बाद ये जो आप जूस देख रहे हैं, इसी जूस को हमें अपने आई एरिया के अराउंड पे अच्छे से अप्लाई करना है. मैं इसी को अपने फिंगर टिप्स पर लूँगी और अपने आई एरिया के अराउंड बहुत ही अच्छे से जितना भी जूस इसमें निकला है उस सबको अपने आई एरिया के अराउंड में अच्छे से अप्लाई कर लूँगी. अप्लाई करने के बाद मुझे अच्छे से मसाज देनी है अपने अंडर आई एरिया को, ब्लड सर्कुलेशन अच्छा करने के लिए. मैं इसको अच्छे से, बहुत अच्छे से मसाज करूँगी. इसको मसाज करने के बाद 10 से 12 मिनट रखूँगी और अपना फेस वॉश कर लूँगी. यही आपको रेगुलर रिपीट करना है 15 डेज तक. सो गाइज, दिस वॉज द रेमेडी जिसको यूज करके आप अपने डार्क सर्कल्स को फेड अवे कर सकते हैं, बाय-बाय बोल सकते हैं. लेकिन आपको करना क्या है, आपको प्लेंटी ऑफ वाटर साथ साथ पीना ही पीना है, साथ ही साथ आपको अच्छे से अपने अंडर आई एरिया को रेगुलरली मसाज भी करते रहना है. कोशिश कीजिए अपना स्लीप साइकिल को थोड़ा इम्प्रूव करें और खाने को भी इम्प्रूव करें. इससे क्या होगा, इससे जो भी रिजल्ट आएंगे वो परमानेंट आएंगे. देखिए, अगर आप अपने स्लीप साइकिल को ठीक नहीं करेंगे, अगर आप अपनी हेल्थ पे ध्यान नहीं देंगे, तो वापस से आपके जो डार्क सर्कल्स हैं ये बैक टू बैक आते रहेंगे. लेकिन आप अगर इन सब चीजों में भी चेंजेस लाते हैं तो जो भी रिजल्ट्स आएंगे वो परमानेंट रिजल्ट्स होंगे. दैट मीन्स आपको दोबारा डार्क सर्कल्स नहीं होंगे और आपको दोबारा इतना झंझट करके कोई भी डीआईवाई करने की जरूरत नहीं पड़ेगी. बट मैंने जो डीआईवाई बताया है उसमें इतना झंझट नहीं है, सिर्फ आपको पोटैटो लेके ग्रेट करके उसके जूस को लगाना है, दैट्स इट. और आपको 15 से 20 डेज में रिजल्ट्स मिल जाएंगे. सो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है, प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल. थैंक यू.